तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं गेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर जो हमने सीरीज शुरू किया है इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं एंड दिस विल बी द पार्ट टू. सो लेट्स बिगिन. तो हमारा अगला क्वेश्चन है अगेन इट इज अ टाइप ऑफ अ एमएसक्यू. एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन कौन से होते हैं जिसे हम मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का नाम देते हैं. ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है. तो ये बेनिफिट भी होता है बिकॉज अगर आप इसमें नेगेटिव मार्क्स करते हो जैसे कि लिख रखा है यहाँ पे कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, लेकिन अगर आप इसमें नेगेटिव मतलब आई मीन टू से अगर आप इसको गलत करते हो तो आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा. तो मेक श्योर यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. तो ये है एक एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन. लेट्स सी क्वेश्चन में क्या बोला गया है. बोला है टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जिसे हम SAR कहते हैं. अ टीम ऑफ रिसर्चर आइसोलेटेड अ म्यूटेंट विथ रिड्यूस SAR रिस्पॉन्स. तो बोला ये गया कि SAR रिस्पॉन्स को प्लांट में स्टडी किया जा रहा था और एक म्यूटेंट को आइसोलेट किया गया जिसमें SAR का रिस्पॉन्स काफी ज्यादा कम हो गया था, यानी सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस काफी ज्यादा कम हो गया था. सीक्वेंसिंग ऑफ दिस म्यूटेंट रिवील्ड होमोजाइगस म्यूटेशन इन 2 जीन. जब इस म्यूटेंट को सीक्वेंस किया गया तो देखने को ये मिला कि होमोजाइगस म्यूटेशन हुआ है 2 जीन में जिसको बोला गया है एक्स एंड वाई. इन दोनों में होमोजाइगस म्यूटेशन हुआ है और इसके कारण जो है ये म्यूटेंट अराइज हुआ है और जो SAR का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा कम दे रहा है. बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स वुड टेस्ट वेदर द म्यूटेंट फिनोटाइप इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन ईदर और बोथ दी जीन. अब आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को सेलेक्ट करना है जिसके बेसिस पे हम ये पता लगा सकें कि जो म्यूटेंट फिनोटाइप मिल रहा है जिसमें कि SAR का रिस्पॉन्स रिड्यूस हो चुका है वो सिर्फ म्यूटेशन के कारण हुआ है, म्यूटेशन इन वन यानी सिर्फ एक ही जीन में हुआ है या दोनों जीन में हुआ है, ये कैसे पता चलेगा. तो सिंपल सी बात है गाइज, इसमें हमें कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो गिवन है उनमें से किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को पिक करना होगा जिसमें कि एक जीन दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही होगी यानी डिपेंडेंसी थोड़ी बहुत शो करेगी. तो ऑप्शन अगर हम देखते हैं पहला है कॉम्प्लीमेंट द म्यूटेंट विथ एक्स और वाई एंड एनालाइज द फिनोटाइप इन ईच केसेस. बोला है जो कॉम्प्लीमेंट मतलब कि कॉम्प्लीमेंट करना है हमें म्यूटेंट को चाहे वो एक्स से रिलेटेड हो या वाई से रिलेटेड हो, दोनों को कॉम्प्लीमेंट करना है और उसके बाद हमें दोनों का ही फिनोटाइप स्टडी करना है. इससे हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इस रिस्पॉन्स के पीछे इस रिड्यूस रिस्पॉन्स के पीछे सिर्फ एक ही जीन इन्वॉल्व है या दोनों जीन इन्वॉल्व है. यस वी कैन डू दिस, तो इसको हम ट्रू ले सकते हैं. आई मीन टू से वी कैन परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट द म्यूटेंट विथ बोथ एक्स एंड वाई एंड एनालाइज द फिनोटाइप. दोनों म्यूटेंट को हम कॉम्प्लीमेंट करके इनके फिनोटाइप को एनालाइज कर सकते हैं तो भी हमें पता चल जाएगा. इसमें क्या बोला है और बोला है मतलब या तो एक्स या तो वाई को लेकर हम कर रहे थे लेकिन इसमें हमने दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट है क्रॉस द म्यूटेंट विथ वाइल्ड टाइप एंड एनालाइज द सेग्रीगेशन पैटर्न ऑफ फिनोटाइप. हम जो है म्यूटेंट को क्रॉस कर देते हैं वाइल्ड टाइप के साथ और जो उनका सेग्रीगेशन पैटर्न होगा उसके फिनोटाइप को सेग्रीगेशन पैटर्न ऑफ द फिनोटाइप यानी फिनोटाइप जिस तरीके से सेग्रीगेट होंगे उसको भी एनालाइज करके हम बता सकते हैं कि एक्चुअल में किस टाइप की रिस्पॉन्सेस रिस्पॉन्सिबल है इस रिड्यूस SAR रिस्पॉन्स के लिए. तो यस वी कैन परफॉर्म दिस ऑल्सो. नेक्स्ट है कंपेयर द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई इन म्यूटेंट एंड वाई टाइप प्लांट. तो देखिए एक्स एंड वाई में जो म्यूटेशन हुआ है उस म्यूटेंट फिनोटाइप को वाइल्ड टाइप फिनोटाइप से कंपेयर करने के बाद तो कुछ भी पता नहीं चलेगा. ये चीज़ तो ऑलरेडी मतलब यहाँ पे डिनोट हो रखी है कि ये रिड्यूस फॉर्म में शो कर रहा है. तो वी कैन से दैट कि ए बी सी तीनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जिसको कि हम परफॉर्म कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में ये म्यूटेशन जो हुआ है ये जो म्यूटेंट्स मतलब यहाँ पे क्रिएट हुए हैं वो म्यूटेशन एक जीन में हुआ है या दोनों ही जीन में हुआ है. तो आंसर विल बी ए बी सी, ऑल द 3 ऑप्शंस आर करेक्ट. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये भी एमएसक्यू है. एमएसक्यू यानी अगेन मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं
और मेक श्योर आपको जो है एक्यूरेट आंसर यहाँ से पिक करना होता है। अगर आप गलत पिक करते हो नंबर तो नहीं कटेंगे लेकिन नंबर मिलेंगे भी नहीं। अगर आप पार्शली भी ट्रू करते हो तो भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो देखिए क्या बोला गया है इसमें। द ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑन सीड जर्मिनेशन इन वेरियस जीनोटाइप अंडर अ डिफरेंट लाइट कंडीशन आर गिवन वेयर दिस राइट साइन इंडिकेट द जर्मिनेशन वेयर दिस क्रॉस साइन इंडिकेट द लैक ऑफ इट रेस्पेक्टिवली। यानी अगर साइन ऐसा है तो इसका मतलब हो गया कि जर्मिनेशन हो रहा है, और अगर साइन ऐसा है तो मतलब हो गया कि देर इज नो जर्मिनेशन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जीनोटाइप दे के रखा है, मतलब कि एक्चुअल में प्लांट किस टाइप का म्यूटेंट है या वाई टाइप है एवरीथिंग। और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है इसमें दे के रखा है टाइप ऑफ लाइट, लाइट का कौन सा यहाँ टाइप है। तो देखिए जीनोटाइप हम वाई टाइप ले लेते हैं, वाई टाइप को ब्लू लाइट में रखा गया तो देखने को मिल रहा है कि जर्मिनेशन हो रहा है, राइट का मतलब जर्मिनेशन हो रहा है। रेड लाइट में भी हो रहा है, फार रेड लाइट में भी हो रहा है, व्हाइट लाइट में भी हो रहा है, डार्क में ये जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, ये हमें पता चला वाई टाइप का। नेक्स्ट देखिए क्राई वन म्यूटेंट, क्राई वन यानी क्रिप्टोक्रोम वन म्यूटेंट। क्रिप्टोक्रोम ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर होता है, उसी का म्यूटेंट फॉर्म यहाँ लिया गया है। तो म्यूटेंट फॉर्म है तो सीधी सी बात है ब्लू लाइट में तो रेस्पॉन्स देगा नहीं, तो हेंस ब्लू लाइट में क्रिप्टोक्रोम म्यूटेंट जो फॉर्म होगा वो जर्मिनेट नहीं करेगा। रेड लाइट में जर्मिनेट कर रहा है, फार रेड लाइट में भी कर रहा है, व्हाइट में भी कर रहा है, डार्क में नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आता है फाई ए म्यूटेंट। फाई ए म्यूटेंट क्या होता है, फाई ए क्या होता है, फाइटोक्रोम ए। तो फाइटोक्रोम ए म्यूटेंट का मतलब क्या हो गया, फाइटोक्रोम ए जो है फार रेड लाइट रिसीविंग फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, म्यूटेंट है तो इट इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ फार रेड लाइट। तो आप देख सकते हैं ब्लू लाइट में जर्मिनेशन हो रहा है, रेड लाइट में जर्मिनेशन हो रहा है, फार रेड लाइट में नहीं हो रहा है, व्हाइट लाइट में हो रहा है, डार्क में नहीं हो रहा है। फाइटोक्रोम बी की बात करते हैं, फाइटोक्रोम बी म्यूटेंट है यहाँ पे। फाइटोक्रोम बी नॉर्मली क्या करता है, रेड लाइट की प्रेजेंस में रिस्पॉन्स देता है, तो फाइटोक्रोम बी म्यूटेंट क्या करेगा, रेड लाइट की प्रेजेंस में रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो ब्लू में देखिए ये दे रहा है, रेड में ये नहीं दे रहा है, फार रेड में ये दे रहा है, व्हाइट में भी दे रहा है, डार्क में नहीं दे रहा है। नेक्स्ट देखिए वीपी वन म्यूटेंट, वीपी वन म्यूटेंट यहाँ पर देके रखा है। वीपी का मतलब क्या होता है, वीवी पैरस के लिए जो है वर्ड मेनली यूज किया जाता है, तो वीवी पैरस के लिए यूज होता है। वीपी वन म्यूटेंट क्या होता है, एक ऐसा म्यूटेंट जो कि मतलब एक ऐसा म्यूटेंट प्लांट होता है जो कि जिसका सीड अभी अपने पेरेंट प्लांट से अलग नहीं हुआ है, मतलब हार्वेस्ट नहीं किया गया, फिर भी वो जर्मिनेशन शो करता है, तो वीपी वन म्यूटेंट हम उसे ही कहते हैं। तो ये ब्लू लाइट के प्रेजेंस में भी जर्मिनेशन शो कर रहा है, रेड में भी, फार रेड में भी, व्हाइट में भी, डार्क में भी। अब ये हमने यहाँ पर सारा एनालाइज कर लिया कि कौन किसकी प्रेजेंस में मेनली शो कर रहे हैं अपने रेस्पॉन्स को। अब यहाँ पे हमें बोला गया है बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन और ऑप्शंस इज और आर करेक्ट, कौन से ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं। पहला है देखिए ऑल द थ्री लाइट क्वांटिटीज दैट इज ब्लू, रेड एंड फार रेड आर रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। ये जो तीन लाइट क्वांटिटी है ब्लू, रेड एंड फार रेड, ये रिक्वायरमेंट, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है सीड को जर्मिनेट करने के लिए। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो व्हाइट लाइट में भी तो जर्मिनेशन हो रहा है, तो यानी ऐसा भी नहीं है। और देखिए अगर मान लीजिए फार रेड लाइट नहीं है तो भी जो बाकी लाइट है उसकी प्रेजेंस में तो जर्मिनेशन हो रहा है, मतलब ये एक रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट है एनी वन ऑफ द थ्री लाइट क्वांटिटीज वेदर इट इज ब्लू, रेड एंड फार रेड इज सफिशियंट टू इंड्यूस सीड जर्मिनेशन। ये एकदम सही उन्होंने स्टेटमेंट बोला है कि एनी ऑफ दिस वन लाइट, कोई भी तीनों में से कोई भी एक लाइट अगर एट अ टाइम प्रेजेंट है, किसी भी आप मतलब किसी भी जीनोटाइप में देख लीजिए, इन तीनों में से एक लाइट, मिनिमम एक लाइट तो प्रेजेंट है ही है, तो इस लाइट की प्रेजेंस जो है सफिशियंट होती है जर्मिनेशन करवाने के लिए सीड में। तो यस वी कैन एग्री कि बिल्कुल सही बोला है, ट्रू। नेक्स्ट है क्राई वन, फाई ए एंड फाई बी प्रोटीन आर रिक्वायर फॉर ब्लू लाइट। क्रिप्टोक्रोम वन ब्लू लाइट की प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट रखता है, बिल्कुल रखता है, तभी म्यूटेंट जो है ब्लू लाइट में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, ट्रू। फाइटोक्रोम ए रेड बोला है, फाइटोक्रोम बी फार रेड लाइट परसेप्शन रेस्पेक्टिवली, लेकिन हमको पता है कि फाइटोक्रोम ए ये मेनली फार रेड लाइट को परसीव करता है एंड फाइटोक्रोम बी रेड को परसीव करता है।
इन्होंने जो स्टेटमेंट लिखा है वो पूरा उल्टा लिखा है, सो इट इज फॉल्स। ए और बी का पूरा एक्सचेंज कर दिया इन्होंने। डी देखिए, द वीपी वन प्रोटीन इज अनलाइकली टू बी इन्वॉल्व इन लाइट परसेप्शन। वीपी वन प्रोटीन जो है ये किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि ये लाइट के परसेप्शन में इन्वॉल्व है, बिल्कुल, क्योंकि वीपी वन म्यूटेंट जिसे मैंने बताया आपको रियलिटी में कि ये वीवी पैरस म्यूटेंट की बात की जा रही है, जिसका लाइट से कुछ लेना देना नहीं है, उसके सीड तो हमेशा ही जर्मिनेट होते रहेंगे, जिसे हम प्री हार्वेस्ट मतलब प्री हार्वेस्टिंग कंडीशन में भी, मतलब अभी तक उसको हार्वेस्ट नहीं किया गया, उसको अभी तक अपने पेरेंट प्लांट से अलग नहीं किया गया है, तो ही उसी टाइम पे भी ये जर्मिनेशन शो करेगा। ऐसा केस हमें तब मेनली देखने को मिलता है, एक ऐसा प्लांट जिसमें कि ए बी ए एब्सेसिक एसिड का कंसंट्रेशन नहीं पाया जाता है, अच्छा, उस केस में हमें वीवी पैरस कंडीशन देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए मेज यानी मक्का, उसको अभी हमने उसके पेरेंट प्लांट से तोड़ा नहीं है और वो उसी टाइम पे मतलब पेरेंट प्लांट में ही है वो और जर्मिनेट करना शुरू कर दे रहा है, उसे हम वीवी के पैरस कंडीशन कहेंगे, क्योंकि अभी वो अपने पेरेंट प्लांट से अलग नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि वीपी वन जो है किसी भी एंगल से लाइट परसेप्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं शो कर रहा है, क्योंकि वीपी वन म्यूटेंट में म्यूटेंट जो है वो हमेशा ही जर्मिनेट करेगा, चाहे आप उसे कोई कंडीशन दो या ना दो। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो इस बेसिस पे देखें तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट ट्रू लग रहे हैं, बी एंड डी स्टेटमेंट, क्योंकि ये एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन था, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गेट 2022 का, 2-methoxy-3,6-dichlorobenzoic एसिड बिलोंग टू विच क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फाइटो हॉर्मोन। बोला गया है कि ये 2-methoxy-3,6-dichlorobenzoic एसिड किस फैमिली से बिलोंग, आई मीन टू से किस फाइटो हॉर्मोन कैटेगरी से बिलोंग करता है। ऑप्शन आर सिंथेटिक ऑक्सिन, सिंथेटिक साइटोकाइनिन, स्टिगोलेक्टॉन, ब्रासिनो स्टेरॉइड। ऑप्शंस अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, सिंथेटिक ऑक्सीजन में यू कैन सी हियर 2-methoxy-3,6-dichlorobenzoic एसिड, जिसे हम डाइकैम्बा कहते हैं, ये एक एक्टिव हर्बिसाइड्स की तरह काम करता है एंड दिस इज अ सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे वन करेक्ट हो जाता है, दैट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है, ऑल दो ये पोर्शन मैंने डील नहीं कराया, आई थिंक ये पोर्शन आपको सर ने डील कराया है, दैट इज मेटाबॉलिज्म का पूरा पोर्शन, बट स्टिल आई एम हैविंग फ्यू ऑफ द क्वेश्चन, तो मैं इसको सॉल्व करवा देती हूँ जो बेसिक लेवल पे आए हैं। इन अ टिपिकल ग्रीन प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल इज, टिपिकल ग्रीन प्लांट में जो कैल्विन साइकिल चलता है जिसे हम C3 साइकिल कहते हैं, तो उसका पहला स्टेबल कंपाउंड कौन सा होता है। ऑप्शन आर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड एंड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि ये एसिड के फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है दैट इज अ 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जिसे हम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का नाम दे सकते हैं। ऑप्शन इज फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच बेस्ट डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म हार्मफुल बट यूजुअली नॉट किलिंग। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा, ये कौन सा, ये एक इंट्रैक्शन की बात की गई है, ऐसा कौन सा इंट्रैक्शन है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लाइफ के एक्सपेंसेस पे रहता है, उसके लिए हार्मफुल भी होता है वो, लेकिन उसको किल नहीं करता है। तो आपने एक नाम सुना होगा होस्ट पैरासाइट। पैरासाइट का काम क्या होता है, अपने होस्ट पे फीड करते रहना या होस्ट पे डिपेंडेंट रहना, उसको ऑब्वियसली हार्मफुल इफेक्ट भी झेलने को मिलता है होस्ट को, किसकी वजह से, पैरासाइट की वजह से। लेकिन क्योंकि पैरासाइट की लाइफ होस्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट होती है, इसीलिए वो होस्ट को किल नहीं करता है, उसे हार्म लाइक ऑब्वियसली उसे हार्म जरूर करता है, और वो इस बेसिस पे करता है क्योंकि पैरासाइट होस्ट पे डिपेंडेंट रहता है, चीजों को वो कंज्यूम कर रहा होता है, एंड दैट इज वाई वो हार्मफुल भी होता है होस्ट के लिए, लेकिन पैरासाइट होस्ट को किल नहीं करता है। तो यस, ये किस टाइप का रिलेशन हो गया, होस्ट पैरासाइट का रिलेशन हो गया। ऑप्शन में देके रखा है प्रीडेटर, जो कि सही नहीं है, सिम्बायोटिक रिलेशन भी नहीं है, प्रे भी नहीं है, ये पैरासाइट का रिलेशन यहाँ पे हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज फोर। नेक्स्ट आता है बेकाने डिजीज और फुलिश सीडलिंग डिजीज इज कॉज्ड बाय। बेकाने डिजीज या फुलिश सीडलिंग डिजीज किसके थ्रू कॉज किया जाता है। ऑप्शंस आर फंगस, बैक्टीरियम, वायरस एंड माइकोप्लाज्मा।
तो ये क्वेश्चन मेनली आया है जिब्रेलिन के डिस्कवरी का जो एरिया है वहां से पूछा गया है। तो इसकी डिस्कवरी किस बेसिस पे हुई थी, देखिए जिब्रेलिन जो है देखा जा रहा था कि ये स्टेम का ग्रोथ बहुत ज्यादा करवा रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम एक प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छा देखते हैं ना, उसका लाइक लेंथ, उसका जो इंटरनोड होता है उसका इलांगेशन बहुत ज्यादा होता है, तो किसी को भी देख के ऐसा हमें लगता है, ऐसा हम एजम्पशन करते हैं कि माइट बी इसका यील्ड भी बहुत अच्छा होगा। मतलब जो प्लांट अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, लेंथ ले रहा है, वो जब ग्रेन्स की बारी आएगी तो वो बहुत अच्छा यील्ड देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जब ये डिस्कवरी हुआ था तो देखने को मिला कि राइस के प्लांट में एक फंगस ने इन्फेक्ट किया था, जिसे जिब्रेला फुजिको रोई कहा जाता था। वो एक फंगस था, उसने जब उस प्लांट को इन्फेक्ट किया था, राइस प्लांट को, तो देखने को मिला कि वो राइस प्लांट बहुत ज्यादा लेंथ के मामले में बहुत ज्यादा इलांगेटेड हो गए थे। तो सबको ये लगा कि उसकी यील्डिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन बाद में देखा गया कि नहीं, इट वॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ फंगस विच इज अ जिब्रेला फुजिकोरोई। आज के टाइम पे इसको फुजेरियम फुजिकोरोई कहा जाता है। और ये जो डिजीज इसने कॉज किया था, इसे हम फुलिश सीडलिंग डिजीज कहते हैं, जिसे बिकाने भी कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि किसके थ्रू कॉज हुआ था, तो आंसर इज ए। और इसी के थ्रू जो है जिब्रेलिन्स का डिस्कवरी भी सामने आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मेटाबॉलिज्म से है। उम्मीद करती हूँ आपने मेटाबॉलिज्म का लेक्चर जो बाकी एजुकेटर्स के थ्रू प्रोवाइड किया गया है वो आपने देखा होगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वी कैन आई थिंक ये कोई भी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है ये सारी चीजें हम बीएससी से पढ़ रहे हैं। तो एक मतलब बोलते हैं ना, कुछ कुछ चीजें दिमाग में ऑलरेडी रहती हैं। तो यहाँ पे बोला गया है ग्रुप 1, 2 एंड 3 जो है यहाँ पे एंजाइम्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को एंड एंजाइमेटिक रिएक्शन को, साथ ही साथ मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेस्पेक्टिवली। आपको यहाँ पे करेक्ट मैच करना है बिटवीन द ग्रुप 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो पहला चला आता है हेक्सोकाइनेज। सो वी नो कि हेक्सोकाइनेज कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होता है, यानी पी तो पी का 1 के साथ मैच होना ही है। बनाता क्या है, ये बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये किसका रिएक्शन है, ये रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस का, और इसमें इन्वॉल्व होता है मेनली हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट आता है फ्यूमारेज। फ्यूमारेज का काम होता है मैलेट बनाने का, और ये कौन से पाथवे में इन्वॉल्व होता है, टीसीए साइकिल। तो ये हो गया 3। अब अगर सिर्फ यही दो ऑप्शन देखें, क्योंकि ये बहुत कॉमन, मतलब टीसीए साइकिल और ग्लाइकोलिसिस तो मैक्सिमम बच्चे को मतलब बहुत ज्यादा मैक्सिमम तरीके से याद रहता है, बाकी सारी चीजें याद रहे या ना रहे। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहीं पे हमारे पास जो है पहले ही बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जा रहा है, और किसी के ऑप्शन के साथ तो ये अभी तक मैच नहीं हो रहा है। अब बाकी जो ऑप्शन है आप उसको फटाफट से मैच कर सकते हो। यहाँ पे आर का 5 एंड 4 हो जाएगा, तो R जो है यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है आपको उसी से मैच करना है, ये हो जाएगा। और ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड के सिंथेसिस में मदद करता है इन द पाथवे विच इज फोटो रेस्पिरेशन। तो हमारा आंसर हो गया बी। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, अगर आपको याद हो तो मैंने प्लांट पैथोलॉजी का पोर्शन आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको एक मतलब एक से दो मैंने अच्छी अच्छी आपके आपके पास मैंने स्लाइड दी थी, जिसे मैंने कहा था कि इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। एंड द प्रॉब्लम इज लाइक, अगर आपको याद है तो ही आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो, नहीं याद है तो यू हैव टू लीव इट। जैसे कि यहाँ पे बोल के रखा है कुछ एक आध चीजें हैं जो कि आप जनरली भी याद रख सकते हो, जैसे कि हो गया पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यहाँ दे के रखा है, डिजीज कंडीशन दे के रखा है, और आपको बताना है अफेक्टेड प्लांट। तो अगर हम बात करते हैं स्टेम रस्ट की, ठीक है, तो ये आप मैच कर सकते हो, यहाँ पे गिवन ऑप्शन 1 करेक्ट है। अगर स्टेम रस्ट की बात करते हैं तो ये मैच हो जाएगा 4th के साथ, दैट इज पिक्यूनिया ग्रेमिनिस। और जो प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा वीट, ठीक है। व्हाट डिजीज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये कौन से प्लांट को अफेक्ट करता है, दैट इज पोटैटो। नेक्स्ट टिक्का और लीफ स्पॉट, ठीक है। तो टिक्का डिजीज याद रखिएगा ग्राउंड नट में देखा जाता है। मैं इसको मतलब कहते हैं ना आप इसमें थोड़ा सा फनी निमोनिक्स भी बना के रख सकते हैं, जैसे कि मैं टिक्का डिजीज को याद रखती थी कि टिक्का मतलब कि जो ग्राउंड नट है यानी मूंगफली है उसका टिक्की या टिक्का बहुत अच्छा लगेगा खाने में। इन दिस वे लाइक यू कैन ऑल्सो मेक दीज काइंड ऑफ फनी निमोनिक्स इफ यू वॉन्ट, कुछ एक आध चीजें ताकि एटलीस्ट तो याद रही जाए। तो टिक्का डिजीज की बात करें तो इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा दैट विल बी फर्स्ट, एंड नेक्स्ट इसका जो अफेक्टेड प्लांट होगा दैट इज सेकेंड ग्राउंड नट। ओके, लास्ट आता है डाउनी मेल्ड्यू, जो कि हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड,
प्लाज्मोपेरा विटिकोला, और इसके अलावा इसका जो अफेक्टेड प्लांट होगा वो हो जाएगा ग्रेप्स। तो इस बेसिस पे देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। तो जितने भी कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वाले क्वेश्चन है ना, उसको आपको देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा थोड़ा सा अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आप अच्छे से डील कर पाएंगे। जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन, ये भी एक टाइप का मतलब कि एल्कोलॉइड रिलेटेड ही क्वेश्चन है, मतलब जो हमने प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में एल्कोलाइड्स पढ़े थे उससे रिलेटेड ही है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी इनका यूज दे के रखा है, तो इसके यूज की भी होपफुली आपको एक टेबल मिली होगी, मैंने दिया होगा, या फिर जो मतलब और एजुकेटर हैं जो कि कोर बॉटनी का पोर्शन डील करा रहे हैं, मेनली ये इकोनॉमिकल पोर्शन से आया है, तो जो प्लांट का इकोनॉमिकल पोर्शन है वहां से आया है, तो ये रहे सोर्स प्लांट। ओके, या फिर आप यहीं से भी नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मॉर्फिन का, तो मॉर्फिन के लिए इसको हम एज अ एनल्जेसिक एज अ एनल्जेसिक इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए जो सोर्स प्लांट होता है दैट इज थर्ड, ठीक है, पेपरवर सोमनीफेरम। नेक्स्ट क्यूनिन की बात करते हैं हम, तो ये किसकी तरह काम करता है, एंटी मलेरियल की तरह काम करता है, और इसका कॉजिटिव एजेंट है, सॉरी इसका सोर्स प्लांट है सिनसोना ऑफेंसिनेलिस, ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट चला आता है एट्रोपिन। एट्रोपिन किसकी तरह काम करता है, ये एक एंटी कोलिनर्जिक की तरह काम करता है थर्ड, और इसका सोर्स प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है फोर्थ। नेक्स्ट विन ब्लास्टिन की अगर हम बात करते हैं, तो इसका यूज होता है एज अ एंटी कैंसर, और इसके सोर्स प्लांट की बात करें तो ये हो जाता है सेकेंड। इस हिसाब से अगर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बट अगेन जस्ट मेक इट अ टेबल, इस टाइप के चीजों के लिए आप टेबल बना सकते हैं ताकि चीजें आपको याद रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये थोड़े से क्वेश्चन इधर उधर हो रहे हैं, इकोलॉजी का पोर्शन कहाँ से चला आया प्लांट में, लेकिन जो प्लांट का सिलेबस है आपका, मतलब ये हमने अलग से नहीं लिया है, बॉटनी का जो पोर्शन 2020 में आया था उसी पोर्शन में ये पूछा गया, तो मैं इस तरीके से ईयर वाइज चल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ चाहे आप कोई भी स्टूडेंट होंगे, आपने बॉटनी, इवोल्यूशन, इकोलॉजी सारे पोर्शन आपने डील, आई मीन टू से अगर आप बॉटनी डील कर रहे हैं तो आपने ये वाले पोर्शन भी सारे के सारे डील कर लिए होंगे। तो ऑप्शन है मैच द फॉलोइंग इकोलॉजिकल टर्म विद देयर अप्रोप्रिएट डेफिनेशन, टर्म्स यहाँ पे मेंशन करके रखा है, डेफिनेशन यहाँ पे बता के रखे हैं। पहला है नीश, नेक्स्ट इज बायो बायो बायोटस, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल एंड हैबिटेट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नीश का, ओके, तो नीश कौन सा हुआ, नीश अगर हम बात करते हैं तो नीश हो गया हमारा प्लेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द बायोटिक इन्वायरमेंट एंड इट्स रिलेशन टू द फूड एंड एनिमी, ये हो गया सेकेंड। नेक्स्ट बायोटास की बात करते हैं, तो ऑल ऑफ टोटल कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पे, तो ये हो गया टोटालिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जहाँ पे फ्लोरा एंड फौना जो है एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं। ट्रॉपिक लेवल कौन सा होता है, पोजीशन ऑफ अ स्पीसीज इन अ फूड चेन, इसको हम ट्रॉपिक लेवल के बेसिस पे देखते हैं। और हैबिटेट की बात करें तो ये एक फिजिकल इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, इस हिसाब से देखें तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग वाटर रिजर्वर ऑफ अर्थ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर वॉल्यूम, आपको यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है वाटर रिजर्वर। तो यहाँ पे टोटल 6 वाटर रिजर्वर मेजर तौर से देखे जाते हैं। अब एक और चीज है कि इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है, जहां जहां भी आप अलग अलग वेबसाइट्स पे देखेंगे तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती है, बट फिर भी हमें एक एक्यूरेट बेसिस पे जाना होता है। जैसे कि सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो सबसे हाइएस्ट बेसिस पे होते हैं ओशन, ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्लेशियर, ग्लेशियर के बाद चले आते हैं यहाँ पर ग्राउंड वाटर, ठीक है, ये एक मतलब कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस होता है डिक्रीजिंग बेसिस पे। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में दिया है स्ट्रीम्स, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, लेक एंड इनलैंड सीज, तो सीधी सी बात है अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आर आ जाएगा क्योंकि ग्लेशियर का सबसे हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट, जैसे हमने कहा ग्लेशियर के बाद ग्राउंड वाटर चला आता है तो यहाँ पे चला आएगा क्यू। अब यहीं से आपको काफी हिंट मिल जा रहा है अगर आपको बाकी सब चीजें याद नहीं है कि याद नहीं है अगर, तो क्योंकि आर ज्यादा है और क्यू उससे छोटा होगा, तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, सिर्फ बच गया पहला वाला ऑप्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन ये हो जाएगा कि ग्लेशियर का हाइएस्ट होता है एज कम्पेयर टू द ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का हाइएस्ट होता है एज कम्पेयर टू द लेक एंड इनलैंड सीज, और इसका भी हाईएस्ट होता है एज कंपेयर टू द स्ट्रीम्स। तो हमारा फोर्थ सॉरी
पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल भी लिखी है, हो सकता है कुछ पॉइंट बेसिस पे ये मैच ना हो, लेकिन ऑल ऑफ टोटल अगर देखा जाए तो इस ढंग से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाई एन इनवर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। मेक श्योर पूछा है पिरामिड ऑफ नंबर पूछा है, लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर में इनवर्टेड हमें पिरामिड कब देखने को मिलता है? ऑप्शंस आर ग्रासलैंड जो होते हैं वो अपवर्ड होते हैं, ठीक है, पॉन्ड में भी आपको देखने को मिलेगा कि जो हमें पिरामिड ऑफ नंबर मिल रहा है वो अपवर्ड मिलेगा, डेजर्ट में भी कुछ वैरी नहीं करेगा, पैरासिटिक फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें पिरामिड ऑफ नंबर जो है हमें इन्वर्टेड मिलता है। अब बच्चे क्या करेंगे, माइट भी बच्चे यहाँ पे ढंग से अगर ना पढ़े तो वो पॉन्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वाटर बॉडीज में इन्वर्टेड पिरामिड देखा जाता है। बट ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड पिरामिड वाटर बॉडी में पिरामिड ऑफ बायोमास के केस में देखा जाता है, यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर आपसे पूछा गया है। तो इस ये देख सकते हैं आप, ये पैरासिटिक इकोसिस्टम है जहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें कि एक ट्री को लिया जाता है, ट्री पे कितने सारे हर्बीवोर्स हैं जैसे कि फ्रूट ईटिंग बर्ड, ऑब्वियसली वो नंबर में ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू वन ट्री। इस हर्बीवोर की जो इतने सारे फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं जिसे हम हर्बीवोर्स कह रहे हैं, इनकी बॉडी पे जो लीफ एंड बग्स होंगे वो इससे भी ज्यादा होंगे, और उस लीश एंड बर्ड के जो सुपर या हाइपर पैरासाइट होंगे वो उनसे भी ज्यादा होंगे। तो हेंस बढ़ते हुए ट्रॉपिक लेवल के साथ इनका नंबर भी बढ़ता जा रहा है। तो वी कैन से कि फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर एकदम सही होगा, दैट इज इन्वर्टेड। अगर हम पिरामिड की बात करें तो पिरामिड ऑफ नंबर के केस में इट विल बी अ पैरासिटिक फॉरेस्ट या पैरासिटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट, ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बेसिस पे है। बोला है रैफिड्स आर डिपोजिशन ऑफ, रैफिड्स को हम किस चीज का डिपोजिशन मानते हैं? ऑप्शन आर कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका बॉडीज एंड प्रोटीन बॉडीज। यू कैन सी हियर दीज आर रैफिड्स। ओके, ये क्या होता है, रैफिड्स आर नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट। तो ये किसका डिपोजिशन है, ये फिर कैल्शियम ऑक्सलेट का डिपोजिशन माना जाएगा, दैट इज रैफिड्स। नेक्स्ट आता है एर्बिस्क्यूल्स आर हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय। एर्बिस्क्यूल जो है एक हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं जो किसके थ्रू फॉर्म किए जाते हैं। ऑप्शंस आर एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, आर्बिट्यूड माइकोराइजा और मोनो मोनोट्रोपोइड माइकोराइजा। तो ऑब्वियसली ये किसके थ्रू फॉर्म किया जाता है, एंडोमाइकोराइजा के थ्रू। अगर आपको याद हो तो ये पोर्शन मैंने पढ़ाया है, दिस इज अ स्लाइड, इसी स्लाइड को मैंने आपको पढ़ा के रखा है। आप देख सकते हैं एर्बिस्क्यूलर माइकोराइजा की अगर हम बात करते हैं तो ये एक एंडो माइकोराइजा का एग्जाम्पल बनता है। तो यही क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया था कि ये किस मतलब कैसे फॉर्म होते हैं या किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ये एंडो माइकोराइजा के फॉर्म में देखे जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, अगेन कुछ और क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट पार्ट में आपके आपके साथ जो है बात करेंगे ऐसे ही, और भी क्योंकि 2019 के हम क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। स्पेसिफिक में वही क्वेश्चन मेनली करवा रही हूँ जिस एरिया से रिलेटेड मैंने आपको थ्योरी डील करवाई है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चर सिर्फ या PhD का अरमान, हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, वन टू वन डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया।